नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 8 के लिए 2.2 करेंगे। ध्यान से समझिए। पहला क्वेश्चन है, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है? ध्यान से देखिए इसका आंसर। सबसे पहले लिखेंगे माना संख्या, संख्या हम x मानेंगे, ठीक। अब कह रहे हैं अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर, अब ध्यान देना 1/2 घटाने पर, इसी संख्या में से 1/2 घटाना है, देखो 1/2 घटाने पर x में से 1/2 घटा, ऐसे घटाते हैं x माइनस 1/2, ठीक है। अब ये कह रहा है परिणाम को 1/2 से गुणा करनी है, ठीक है। अब यहां लिखो 1/2 से गुणा करने पर, गुणा करने पर ये जो आया मैंने इसके अंदर 1/2 की गुणा करनी है, परिणाम ये था ना x माइनस 1/2, ठीक है। अब प्रश्नानुसार लिखना है आपको यहां पर, प्रश्नानुसार, ठीक है। ये उतार लीजिए 1/2 ब्रैकेट x माइनस 1/2, ये कह रहा है परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है, ठीक है। नहीं, गुणा कर देंगे 1/2 से तो कितने प्राप्त हो जाएंगे, 1/8 प्राप्त होंगे। अब हम इसको हल करेंगे, 1/2 को x से गुणा कीजिए, क्या आएगा 1/2x आ जाएगा, माइनस 1/2 को 1/2 से गुणा कीजिए 1/4 आएगा और बराबर में 1/8 है, ठीक है। आगे देखिए 1/2x, ये 1/8, ये माइनस का 1/4 है ना, उधर जाएगा तो प्लस का 1/4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, 1/2x बराबर, इसका एलसीएम ले लीजिए 8 आ जाएगा, ठीक है। 8 के पहाड़े में 8 एक बार आता है, 1 को 1 से गुणा कर 1 ही आएगा। 4 के पहाड़े में 8 दो बार आता है, 2 को 1 से गुणा करो 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ उतार लीजिए 1/2x बराबर, ये 2 और 1 3 हो गए तो 3/8 हो जाएगा ये, ठीक है। अब ये x तो यही रह जाएगा, 3/8 इंटू ये 1/2 है ना, इधर आके उल्टा हो जाएगा 2/1 हो जाएगा x बराबर। अब ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8 होते हैं, ये ध्यान रखना। 3 का पाड़ा एक बार पढ़ेंगे 3 ही आएगा, 4 का पाड़ा एक बार पढ़ेंगे 4 आएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3/4, ठीक है। तो वह संख्या क्या लिख देंगे, अतः संख्या, अतः संख्या बराबर लिखेंगे 3/4, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, अतः संख्या बराबर कितनी आ जाएगी 3/4 आंसर आएगा। ये पहला क्वेश्चन आपका हो चुका है, ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे इसके आगे वाला, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेके उतार सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए आप लोग ध्यान से, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। एक आयताकार तरण ताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगुने से 2 मीटर अधिक है, यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब ध्यान रखना यहां पर लिखा हुआ है, ध्यान रखना कि चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है, चौड़ाई के दुगने से। सबसे पहले हम मानेंगे हम चौड़ाई, लिखेंगे माना तरण ताल की चौड़ाई x मीटर मान लेंगे, ठीक है। कितनी मानेंगे x मीटर। अब लंबाई लिखो, ये कह रहा है लंबाई इसकी चौड़ाई के दुगने से, ये चौड़ाई यानी इसका दुगना कितना हो जाएगा, x का दुगना 2x हो जाएगा, और दुगने से 2 मीटर अधिक है, मतलब इसके अंदर फिर आगे 2 मीटर अधिक है, मतलब 2 और जोड़ दो आप तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 2x+2 हो जाएगी, ठीक है। अब ये यदि इसका परिमाप 154 मीटर है, ठीक है ना, अब इसका परिमाप दे रखा है, परिमाप बराबर दिया हुआ है 154 मीटर, ठीक है। देखो तरण ताल है वो आयताकार है, और आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 लंबाई + चौड़ाई, 2 लंबाई + चौड़ाई बराबर में 154, ठीक है। अब 2 लिख दीजिए यहां पर, लंबाई कितनी अपने पास में, देखो 2x+2 है तो लंबाई की जगह 2x+2 लिख दीजिए, प्लस चौड़ाई कितनी है x है, उतार लीजिए बराबर में 154 लिख दीजिए। अब 2 देखो 2x और 1x 3x हो जाएगा, 3x+2 बराबर में 154 आ जाएगा, ठीक है।
अब ध्यान देखिए, एक दो एक्स की इसमें गुणा कर लीजिए, ये 6x हो जाएगा, 2 × 4 हो जाएगा, बराबर में 154 आ जाएगा। ठीक है, ये 6x तो यहीं रह जाएगा, 154, ये प्लस का 4 उधर आके माइनस का 4 हो जाएगा, तो 6x बराबर 154 में से 4 जाएंगे, 150 बचेंगे। ठीक है, अब अपने पास में देखो, अपने को तो x का मान चाहिए, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 150 बट्टा में ये 6 है ना, ये बट्टे में आ जाएगा, तो x बराबर 25×150 होता है, x का मान कितना आ जाएगा 25 मीटर। हमने x किसको माना था, चौड़ाई को माना था, तो यहां लिख दो अतः चौड़ाई कितनी थी, x मीटर, x का मान 25 आया तो 25 मीटर होगी। ठीक है, अब लिख लीजिए लंबाई, लंबाई कितनी अपने पास, 2x, 2 है ना, 2x प्लस 2 है। अब यहां ध्यान देखिए, 2x की जगह आपको 25 लिखना, क्यों, आपका मान 25 आया, प्लस 2, 25 को 2 से गुणा कर लीजिए, 50 प्लस 2, 50 और 2 कितने होते हैं 52, तो 52 मीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक तो आंसर ये 52 मीटर आएगा आपका, और एक आंसर आ जाएगा ये 25 मीटर वाला। ठीक है ना, यहाँ लिख दिया मैंने 25 मीटर, ये आंसर आ गया, दो आंसर आ जाएंगे। ठीक है, एक लंबाई आ गई आपकी और दूसरी चौड़ाई भी आ गई, लंबाई और चौड़ाई दोनों आंसर आ गए। ठीक है, तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, अब हम तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो अगला तीसरा क्वेश्चन देखिए ध्यान से, अब तीसरा क्वेश्चन देखिए आप लोग। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए ध्यान से, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार है 4/3 सेमी है। ठीक है, और उसका परिमाप दिया हुआ है 4 × 2/15 सेमी है, उसकी दो बराबर भुजाओं की माप याद कीजिए। ठीक है, अब इसे थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज कैसा होता है, जिसकी दो भुजाएं बराबर होते हैं ना, वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। ये ऐसा है, मतलब ये भुजा और ये भुजा बराबर है। ठीक है, उसका आधार दे रखा है, आधार ये चीज होती है, ये 4/3 सेमी अपने को दे रखी है। ठीक है, और उसका परिमाप तो तीनों भुजाओं का योग दे रखा है इसने, 4 × 2/15 सेमी है, उसकी बराबर भुजाओं की माप याद कीजिए। मान लीजिए ये भुजा x सेमी है और ये भी x है, x सेमी और ये भी x सेमी। ठीक है, बराबर भुजाओं की माप कितनी है, तो यहां लिख देंगे माना बराबर भुजाएं, ठीक है, माना बराबर भुजाएं कितनी होगी, x सेमी। ठीक है ना, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना, बराबर भुजाएं बराबर कितनी लिख दी, x सेमी लिख दी। यहां ये मान लिख दीजिए आप, a लिख दीजिए, यहां b लिख दीजिए और c लिख दीजिए। ठीक है, अब इसका परिमाप दे रखा है इसने, ठीक है ना, यहां लिख दीजिए परिमाप, परिमाप इसने दे रखा है 4 × 2/15 सेमी। ठीक है, परिमाप क्या होता है, इन तीनों भुजाओं का योग होता है, कैसे, ए बी, बी सी प्लस ए सी, और बराबर देखो, अब इसको 15 को 4 से गुणा, 15 × 4 = 60 और 2 = 62/15 हो जाएगा। ठीक है, अब ए बी कितना अपने पास में, x ही है, देखो ए बी का मान x माना हुआ लिख दी, बी सी कितना है 4/3, यहाँ 4/3 उतार लीजिए, ए सी कितना है x है, x उतार लीजिए, और बराबर में 62/15 हो जाएगा। ठीक है, एक्स और एक्स कितने, 2x हो जाएगा, 2x + 4/3 बराबर में 62/15, ये 2x तो यही रह जाएगा, 62/15 माइनस, ये प्लस का उधर चला जाएगा तो माइनस का 4/3 हो जाएगा, ये प्लस का ना इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस का 4/3 हो जाएगा। अब यहां इसको आगे यहां से देखिए, आगे 2x बराबर में इसका लघुत्तम ले लीजिए, यहां से 15 और 3 का लघुत्तम 15 आ जाएगा, ध्यान रखना 15 के पहाड़े में 15 एक बार आता है, 1 को 62 से गुणा कर लीजिए, सीधा 62 आ जाएगा, माइनस 3 के पहाड़े में 15 पांच बार आता है, और 5 को 4 से गुणा कर लीजिए, 5 × 20 होते हैं। ठीक है, अब याद देखिए 2x बराबर 62 में से 20 जाएंगे, कितने बचेंगे, 42 बचेंगे, 42/15 हो जाएंगे। ठीक है, एक्स तो यही रह जाएगा, और 42/15 ये 2 है ना, इसके बट्टे में आ जाएगा, नहीं यार यहाँ लिखा जाएगा, अब इसको काट लीजिए 2 से, 21 आ जाएगा। ठीक है, x बराबर 21/15 आया, फिर ये कट रहा है 3 के पहाड़े से, लिख लीजिए 3 × 7 = 21 होते हैं, 3 × 5 = 15 होते हैं, कितना हो गया 7/5। अब 7 में 5 का भाग लगा दीजिए, 7 में 5 का भाग लगाइए, एक बार जाएगा, कितने बचेंगे 2 बचेंगे, ये 2 यहाँ लिख दो, ये 5 आ गए, इसका अर्थ हो जाएगा 1/2 सेमी आ जाएगा,
तो बराबर भुजाओं की माप कितनी आ जाएगी, एक सही दो बटे पांच सेमी आ जाएगा। ठीक है, ये इधर वाला ये मिटा देते हैं। ठीक है, अब यहां लिख सकते हैं अतः बराबर भुजाएं, अतः बराबर भुजा की माप, बराबर भुजा की माप बराबर कितना, ये एक सही दो बट्टा पांच सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीसरा क्वेश्चन हो गया अपना। ठीक है, अब हम चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, अगला चौथा क्वेश्चन देखिए ध्यान से। हाँ, चौथा क्वेश्चन देखिए आप लोग ध्यान से। ठीक है, दो संख्याओं का योग 95 है, यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक, माना दूसरी संख्या x मानेंगे, अब लिखेंगे पहली संख्या। देखो यहां लिखा है एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है, मतलब दूसरी से 15 अधिक है, x प्लस 15 हो जाएगा। ठीक, अब ये कह रहा है दोनों का योग 95 है, प्रश्नानुसार लिखो यहां पर, प्रश्नानुसार इन दोनों का योग कितना है, x और x प्लस 15, इनका योग कितना है 95। ठीक है, एक्स और एक्स कितना हो जाएगा 2x प्लस 15 बराबर 95, ये 2x तो यहीं रह जाएगा 95, ये प्लस का 15 उधर चला जाएगा, माइनस का 15 हो जाएगा, 2x बराबर 95 से 15 घटा लीजिए, 5 में से 5 गया 0, 9 में से 1 गया 8, x बराबर 80 बट्टे 2 हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, x का मान कितना आएगा 40, हमने किसको माना था x, दूसरी संख्या को, तो अतः दूसरी संख्या लिख दीजिए यहां पर, अतः दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी 40। अब पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या x प्लस 15 थी ना, x प्लस 15 होती, x का मान आपके पास कितना है 40 आया, तो 40 प्लस 15 हो जाएगा, 40 और 15 कितने हो गए 55 हो गए, ये आपका दूसरा, तो पहला 40 आंसर आ गया और दूसरा 55 आंसर आ गया। ठीक है, ये चौथा क्वेश्चन बहुत छोटा क्वेश्चन था। ठीक है, अच्छी तरह से देख लीजिए ध्यान से। ठीक है, अब हम पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पांचवा क्वेश्चन, हाँ पांचवा क्वेश्चन देखिए आंसर इसका, दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है, यदि उनमें अंतर 18 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। लिखेंगे माना पहली संख्या, पहली संख्या जो अनुपात दे रखा है ना पहला, उसके साथ x लिख दीजिए, 5x हो जाएगा, और दूसरी संख्या हो जाएगी 3x हो जाएगी। ठीक है, अब प्रश्न अनुसार अंतर दे रखा है कि दोनों का अंतर कर लीजिए, 5x माइनस 3x कर लीजिए, कितना अंतर दिया हुआ है 18 दिया, 18 लिख दीजिए, 5x में से 3x जाएंगे 2x बचेंगे, 2x बराबर 18, x बराबर 18 बटे 2 हो जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, x का मान कितना 9 आ गया, अतः पहली संख्या लिख दीजिए, अतः पहली संख्या, अतः पहली संख्या कितनी 5x थी ना, तो 5 गुणा x का मान 9 आया, 5 × 9 = 45 हो गई। अब दूसरी संख्या कितनी आई 3x आई ना, तो 3 × 9 हो जाएगा, 3 × 9 कितने हो गए 27 हो गए। ठीक है, अब देख लिए 45 और 27 में अंतर 18 आता है क्या, 15 में 7 गए, 8 बच गए, 3 में से 2 गए 18, एकदम सही है। ठीक है, तो 45 एक आंसर 45 आ जाएगा, दूसरा आंसर कितना आ जाएगा 27। ठीक है, ये पांचवा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ओके, हाँ छठा क्वेश्चन देखिए, तीन लगातार पूर्णांकों का योग 51 है तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो माना पहला पूर्णांक x मान लीजिए। ठीक है, तीन लगातार है, अब लिखेंगे दूसरा पूर्णांक x प्लस 1 हो जाएगा, तीसरा पूर्णांक x प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न अनुसार लिख दीजिए,
इनका योग कर लीजिए, एक्स प्लस एक्स प्लस एक प्लस एक्स प्लस दो बराबर, इनका सभी का योग कितना है 51 है, बराबर में 51 लिख दीजिए। ठीक है, अब एक्स 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 कितने हो गए, 3x हो गए, ये 2 1 3 हो गए, बराबर 51 आ गया, 3x तो यही रह जाएगा, 51 ये प्लस का 3 इधर आके माइनस का 3 हो जाएगा, 3x 51 में से 3 जाएंगे 48 बचेंगे, एक्स बराबर 48 बटे 3 हो जाएगा, 48 में 3 का भाग देंगे 16 आ जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा 16 आ गया। x किसको माना था, पहला पूर्णांक, अतः पहला पूर्णांक, ठीक है ना, यहाँ लिख दीजिए बोले, अतः पहला पूर्णांक, अतः पहला पूर्णांक, पहला पूर्णांक कितना आ जाएगा, x का मान कितना है 16 लिख दीजिए। अब लिख दीजिए दूसरा पूर्णांक, दूसरा पूर्णांक, दूसरा पूर्णांक x प्लस एक था तो 16 प्लस एक कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। अब तीसरा पूर्णांक, तीसरा पूर्णांक x प्लस दो था तो 16 प्लस दो हो जाएगा, 16 दो कितने हो गए 18 हो गए, तो 16 17 18, ठीक है, ये तीनों आंसर आ जाएंगे, 16 भी आंसर आ जाएगा, 17 भी आ जाएगा, 18 भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका छठा क्वेश्चन हो गया, बहुत छोटा क्वेश्चन था। ठीक है, ओके, हाँ, आठ सातवां क्वेश्चन देखिए आप लोग। आठ के तीन लगातार गुणजों का योग 888 है, तो गुणज ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब आठ के पाड़े में आने चाहिए क्वेश्चन। ठीक है, लिखेंगे माना पहली संख्या, माना पहली संख्या x लिखेंगे, दूसरी संख्या x प्लस एक लिखो, तीसरी संख्या लिखेंगे आप लोग x प्लस दो। अब प्रश्नानुसार आ जाइए, अब ध्यान रखिए यहां पर लिखा है आठ के तीन लगातार गुणज है। ठीक है ना, जो पहली संख्या है ना सभी इसी में आठ की गुणा, इसमें आठ की गुणा, इसकी आठ की गुणा, तो यहां लिखो आठ एक्स प्लस, फिर आठ लिख करके एक्स प्लस एक लिखना है, फिर आठ लिख करके एक्स प्लस दो लिखना है। ठीक है, मतलब आठ का लगातार ये गुणज होना चाहिए, आठ की टेबल पाड़ा बढ़ना चाहिए, और इनका सभी का योग कितना आ रहा है 888 आ रहा है। ठीक है, अब इसको ध्यान से हल करो, आठ एक्स प्लस आठ को एक्स से गुणा करो, आठ एक्स हो गया, आठ को एक से गुणा करो, आठ एक आठ प्लस आठ को फिर एक्स से गुणा करो, आठ एक्स आठ, आठ को दो से गुणा करो, आठ गुणी 16 बराबर में 888। ठीक है, अब आठ एक्स आठ एक्स आठ एक्स कितने हो गए 24, आठ तीन 24 हो गए ना, 24x हो गए, और देखिए ये 16x और 8x कितने हो, 16 और 8 कितने हो गए 24 हो गए, बराबर में 888 आ गए। ठीक है, 24x बराबर 888 माइनस 24, 24x बराबर 888 में से 24 घटा लीजिए, 8 में से 4 गए 4, 8 में से 2 गए 6, और ये 8 आ गया। अब आपके पास x बराबर कितना आ जाएगा 864/24 आ जाएगा। ठीक है, इसको 864 है ना, अब इसको काट लीजिए आप, या 24 का भाग लगा दीजिए, देखो भाग यहां देते हैं 864 के अंदर हम 24 का भाग लगाते हैं, 24 के 72 होते हैं। ठीक है, 6 में से 2 गया 4 बच गया, 8 में 7 गया 1 बच गया, ये ठीक है ना। अब ये कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, 6 चौके 24, 6 दूनी 12, 2 14, एकदम सही हो गया। ठीक है ना, तो 36 एक्स बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर लिख दो 36 आ जाएगा। ठीक है, कितना आया 36, एक्स का मान कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, पहली संख्या दूसरी संख्या निकालेंगे। ठीक है, पहली संख्या तो यहां लिख देंगे, पहली संख्या, पहली संख्या अपने पास में क्या थी, एक्स थी, लेकिन साथ में आठ का गुणज था ना, तो ये आठ गुणा लिखना है यहां पर, आठ गुणा 36 लिखना है आपको। ठीक है ना, 8 6 48 असल 4 8 3 24 और 4 28 288 आ जाएगा, पहली संख्या कितनी आएगी 288। अब इसी प्रकार दूसरी संख्या, दूसरी संख्या क्या है, देखो 8 और x प्लस 1 लिखा, 8 लिखा हुआ है और ब्रैकेट में x प्लस कितना 1 है ना, 36 प्लस 1 हो जाएगा, 36 प्लस 1 मतलब 8, 36 में 36 रे कितने हो गए 37। अब इसकी 8 की गुणा, 8 को 7 से गुणा करिए, 8 को 7 56 होता है, 5 हासिल हो जाएगी, 8 3 24 और 5 24 5 29
298 आ जाएगा। तो पहला आंसर 288, दूसरा 296 और तीसरी संख्या लिखो, यहां पर लिखो तीसरी संख्या। तीसरी संख्या अपने पास में क्या है, 8 और x प्लस 2 है, ध्यान रखना। तो यहां 8 लिख दो, x का मान कितना है 36 है, 36 प्लस 2 हो जाएगा, ये 8 आ जाएगा, 36 और 2 कितने हो गए 38 हो गए। अब इसको 8 से 8 बटे 64 होते हैं, असल कितनी 6 होगी, 8 3 24 और 6 कितने हो गए 24 और 6 30 होते हैं, तो 304 सेमी कोई संख्या है फिर, ध्यान रखना ठीक है ना, ये सेमी कुछ नहीं है केवल संख्या है। ठीक है, तो पहली संख्या कितनी आएगी 288 आएगी, दूसरी संख्या 296 आएगी, तीसरी संख्या 304 आएगी। ठीक है, तो ये आपका सातवां क्वेश्चन हो चुका है। आठवां क्वेश्चन देखिए, तीन लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रमशः 2, 3, 4 से गुणा कर योग करने पर योगफल 74 आता है, तीनों पूर्णांक याद कीजिए। लिखेंगे माना पहला पूर्णांक x मान लीजिए, ठीक है ना, दूसरा पूर्णांक देख ध्यान बढ़ते क्रम में लेना है तो x प्लस 1 आ जाएगा, तीसरा पूर्णांक x प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये कह रहा है इन्हें क्रम से 2, 3, 4 से गुणा करनी है, पहले को 2 से, फिर 3 से, 4 से। तो पहले प्रश्नानुसार लिख दीजिए यहां पर, प्रश्नानुसार ठीक है, पहले वाले को कितने से गुणा करनी है 2 से, तो यहां 2 गुणा x लिखो, ठीक है, प्लस का निशान लगाइए, फिर इसको 3 से गुणा करनी है, 3 लिख करके x प्लस 1 लिख दीजिए, फिर 4 से गुणा करनी है, 4 लिख करके x प्लस 2 लिख दीजिए, ठीक है ना, और बराबर में कितना लिख दीजिए 74 लिख दीजिए। योगफल कह रहा है ना, सभी में बीच बीच में प्लस का निशान भी लगा दिया हमने। 2 को x से गुणा करेंगे 2x आ जाएगा, 3 को x से गुणा करो 3x, 3 को 1 से गुणा करो 3, 4 को 1 से गुणा करो 4x, 4 को 2 से गुणा करो 8, बराबर में 74 आ जाएगा। ठीक है, 2x 3x 5x हो गए, 5 और 4 9x हो गए, ठीक है, और 8 और 3 कितने हो गए 11 हो गए, प्लस के 11 और बराबर में कितना आ गए 74 आ गए, 9x बराबर में 74, ये प्लस का 11 उधर आके माइनस का 11 हो जाएगा, तो 9x बराबर कितना आ जाएगा 74 में से 11 घटा लीजिए, देखो 4 में से 1 जाएगा 3 बचेगा, 7 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 6 बचेगा, 9x बराबर कितना आ गया 63 आ गया अपने पास में। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा 63 बट्टा 9 हो जाएगा, तो x बराबर 9 7 63 होता है, x का मान कितना आ जाएगा 7 आंसर आ जाएगा। अब हमने x किसको माना था, पहले पूर्णांक को माना था, अतः पहला पूर्णांक, अतः पहला पूर्णांक कितना लिखेंगे, x की जगह कितना लिखना है 7 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब लिखोगे दूसरा पूर्णांक, दूसरा पूर्णांक क्या लिखेंगे, x प्लस 1 लिखा हुआ है तो 7 प्लस 1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा पूर्णांक, ठीक है, तीसरा लिखा हुआ है x प्लस 2 लिखा हुआ है तो 7 प्लस 2 हो जाएगा, 7 और 2 कितने हो गए 9, तो पहला 7 आंसर आ गया, दूसरा 8 आंसर आ गया और तीसरा आ गया 9 आंसर। ठीक है, ये तीन देख लो, तीनों बढ़ते क्रम में है 7, 8, 9। ठीक है, तो ये 8 क्वेश्चन करवा दिए। ठीक है, ये 2.2 के अंदर मैंने 8 क्वेश्चन करवा दिए हैं। ठीक है, अब हम आगे वाले जो 9 से लेकर वो अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, आपको ये सारे क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। ठीक है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, धन्यवाद।